बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सर्वे पढ़ेंगे रेप्टाइल्स का, तो स्टार्ट करते हैं। रेप्टाइल्स जो हैं बेसिकली उनके अंदर कुछ जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं कि इनका जो स्कल होता है विद वन सरफेस कॉन्डाइल होता है, यानी जिसके ऊपर उनका हेड टिका हुआ होता है, एक ही आर्टिकुलेशन की बोन होती है। अब ये कॉन्डाइल क्या चीज़ होती है? कॉन्डाइल किसी भी बोन के ऊपर आपने देखा होगा ऐसा उसका एरिया होता है। यहाँ पर जैसे आपको ये दिखा देती हूँ मैं, आपने देखा होगा किसी भी बोन के ऊपर जो इस तरह के एरियाज होते हैं राउंड से, जो कि दूसरी बोन के साथ अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉन्डाइल्स। ठीक है, तो इसके हेड के ऊपर भी इस तरह का एक कॉन्डाइल प्रेजेंट है, सिंगल कॉन्डाइल है जिसके साथ ये इसका जो फर्स्ट वर्टिब्रा है नेक का उसके साथ अटैच है। ये वजह है कि ये बड़ी ईजीली अपना सर घुमा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है इनके अंदर जी? तो इनके पास साथ में लंग्स होते हैं रिस्पायरेशन के लिए, ठीक है बेटे, और इनके अंदर मेटानेफ्रिक किडनीज होती हैं, और फर्टिलाइजेशन की इंटरनल होती है। जाहिर सी बात है कि ये वाटर से दूर होंगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, और एमनियोटिक एग्स होते हैं क्योंकि एमनियोट्स। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई स्किन होती है और कैरेटिनाइज होती है एपिडर्मल स्केल्स से। ठीक है, एपिडर्मल स्केल्स तो मुश्तमिल इनकी स्किन होती है। अब यहाँ पे कुछ आपको बताती चलूँ कि अब केराटिनाइज का जिक्र आ गया तो बट इस केराटिन, केराटिन बेसिकली आपके पास एक ऐसी प्रोटीन है जो कि रेजिस्टेंट होती है, ठीक है, और प्रेजेंट होती है आपके पास एपिडर्मल सर्फेसिस के अंदर, और मोस्टली ये उन सर्फेसिस से डिराइव भी होती है, एमनियोट्स के अंदर मोस्टली प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन जो है बेटे प्रोटेक्टिव होती है ये, ठीक है, और जब ये पानी जब ये केमिकली बाउंड कर जाती है फॉस्फोलिपिड्स जो कि आपके पास सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो उस टाइम पर ये प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को, ठीक है, अक्रॉस दी बॉडी सर्फेसिस। और जो मेम्बर्स हैं आपके पास तीन से चार ऑर्डर्स जो है हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, लिविंग स्पीशीज जो हैं वो तकरीबन तमाम जगहों में पाए जाते हैं, मासवाय, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पे आपको कोई रेप्टाइल्स ही मिलेंगे, और ज़्यादातर डोमिनेंस इनकी जो है वो आपको मिलेगी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स के अंदर। तकरीबन अभी तक हमने देखे हैं 17 ऑर्डर्स ऑफ रेप्टाइल्स, लेकिन ज़्यादातर स्पीशीज इसमें से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, और कुछ जो हमारे पास हैं लिविंग जो कि 4 ऑर्डर्स हैं वो हम इंशाल्लाह अभी स्टार्ट में अभी आपको बता देंगे, उसी के सर्वे हम करने जा रहे हैं जी। तो बेटे इसका सर्वे स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। कल आपने जो हेड की स्ट्रक्चर्स, कल स्ट्रक्चर जो पढ़े थे अपने एमनियोट्स के अंदर, उसमें आपने तीनों देख लिए थे, तो मैंने आपको बताया था कि उसका जो साइड वाला रीजन, ये अब इसका जो रीजन है ना, ये वाला ये लेटरल रीजन है, साइड वाइज रीजन है, ठीक है, और इसकी बैक साइड पर मौजूद है, देखें ये हेड की बैक साइड पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं आपके पास पोस्टीरियो लेटरल रीजन। तो यहाँ पर कुछ के अंदर आपके पास मौजूद नहीं होता है क्या कहते हैं इसको, ओपनिंग या सुराख, ठीक है, तो उसको हम एनाप्सीडा कहते हैं जो कि टर्टल्स हैं, और कुछ के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, इसके अंदर आप इसको एनाप्सीड्स कहते हैं, साइनाप्सीड्स कहते हैं, ठीक है, और कुछ के अंदर आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं दो जो है ना टेम्पोरल फेनेस्ट्री या दो ओपनिंग्स हैं, इसको हम डायप्सीड कहते हैं। तो ये आप फिगर से थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश कीजिए, ये जो चीज़ है आपके पास ये जो चीज़ है दिस इज़ दी आई ऑर्बिट, यानी कि जो यहाँ पे आपकी आपकी तो नहीं, यानी कि जो रेप्टाइल्स हैं उनकी आइज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये स्कल का आपको एक लिटरल व्यू दिखाया गया, इसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं जी। तो बेटे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पहला ऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑर्डर टेस्टिड्यून, जिसको हम चिलोनिया भी कहते हैं, ठीक है, और इसके अंदर मोस्टली टर्टल्स शामिल है, सारे ही टर्टल्स होते हैं इसमें। तकरीबन 225 स्पीशीज़ जो टर्टल्स की हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं, और उन सब के अंदर आपके पास तमाम टर्टल्स के अंदर एक बोनी शेल होता है, ठीक है, इनके जो लिम्स होते हैं वो रिब्स के साथ अटैच होते हैं और लटके भी होते हैं, आर्टिकुलेटिंग फ्रॉम द रिब्स, ठीक है, रिब्स के साथ अटैच होते हैं। ये जब अभी इसका हम स्केलेटन देखेंगे उसमें आपको नज़र भी आ जाएगा, और इसके अलावा इसके अंदर केराटिनाइज बीक होती है, टीथ की बजाय इनकी चोंच नुमा केराटिन की बनी हुई केराटिनाइज बीक होती है, ठीक है। और अब जो शेल को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि शेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक डॉर्सल पोर्शन होता है जो कैरापेस कहलाता है, दूसरा इसका वेंट्रल पोर्शन होता है जो प्लास्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो डॉर्सल पोर्शन है कैरापेस, ठीक है, ये आपके पास किस तरीके से बनता है, स्किन किन बोन्स पे मुश्तमिल होता है, जो फ्यूजन होती है वर्टीब्रीज की, यानी कि जो आपके पास मोहरे वगैरह होते हैं वर्टीब्रीज जिनको बोलते हैं उसकी फ्यूजन होती है। इसके अलावा कुछ जो हड्डियाँ होती हैं आपके पास रिब्स की यानी पसलियों की, वो चिपटी हो जाती है, एक्सपैंड फॉर्म में वो होती हैं, और कुछ आपके पास स्किन के अंदर जो है ना बोन्स जो होती हैं वो, तीनों का मिलाप की वजह से ये बनता है, और इसको पूरी को कवर किया होता है केराटिन, ठीक है,
कैरापेस को पूरे कैरेटिन ने अच्छे तरीके से कवर किया होता है। अब इसके वेंट्रल पोर्शन की तरफ आ जाते हैं जिसको हम प्लास्ट्रॉन कहते हैं। प्लास्ट्रॉन आपके पास बनता है पेक्टोरल गर्डल की फ्यूजन से और डर्मल बोन से, ठीक है। और अगेन इसको भी कैरेटिनाइज किया हुआ होता है कैरेटिन ने फुली। अब कुछ टर्टल्स ऐसे हैं जैसे आपके पास नॉर्थ अमेरिका का जो बॉक्स टर्टल है टेरापिन, इसकी शेल के अंदर कुछ मखसूस जगहों के ऊपर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनको हम फ्लेक्सिबल एरिया या हिंजेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्लेक्सिबल एरियाज या हिंजेस होते हैं, इसकी मदद से आपके पास जो उसकी प्लास्ट्रॉन होती है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एजर प्लास्ट्रॉन की, वो उठाए जा सकते हैं, रेज किए जा सकते हैं, फैलाए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हिंजेस होती हैं बेटे, ये अलाउ करती हैं शेल ओपनिंग्स को कि वो क्लोज हो जाएं, ठीक है। जब टर्टल को अगर आप छुएं या कुछ ज़्यादा तंग करें तो वो टर्टल ने आप देखा होगा उसके पाँव और सर जो होता है वो शेल के अंदर चला जाता है, ठीक है, विड्रॉ हो जाता है इनटू द शेल। तो उस टाइम पे इसकी ओपनिंग्स भी क्लोज हो जाती हैं, हिंजेस उन ओपनिंग को क्लोज करने में हेल्प करती हैं। और टर्टल्स के पास 8 सर्वाइकल वर्टिब्रीज भी होती हैं जो कि एस शेप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आर्टिकुलेट हुई भी होती हैं। और ये जो चीज़ है ये अलाउ करती है हेड को कि वो शेल के अंदर विड्रॉ हो जाए, यानी कि फ़ौरन से अपने सर या हेड जो है ना विड्रॉ कर लेता है टर्टल्स शेल के अंदर जी। तो अब हम देख लेते हैं एक फिगर जिसके अंदर आपको ये जो सारी सिचुएशन मैंने बताई है कि कैसे आर्टिकुलेट कर लेते हैं हेड और लिम्स टर्टल अपनी बॉडी के अंदर, वो हम देखेंगे जी। तो बेटे ये आप फिगर देख सकते हैं, इस फिगर के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। जैसे आप ये देख सकते हैं कैरापेस, इसका डोर्सल जो शेल का एरिया है कैरापेस कहलाता है और वेंट्रल प्लास्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं रिब्स इसकी बहुत चिपटी चिपटी हुई हैं और वो साथ जॉइंट हुई हुई हैं, ठीक है, फ्यूजन हुई हुई है साथ में। ये आप देखें वर्टिब्रा भी इसकी फ्यूज हुई हुई है, तो ये तीनों मिला के इन्हों कैरापेस बना रहे हैं। और ऐसे ही प्लास्ट्रॉन नीचे बन रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, उसको कैरेटिन ने कवर किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नेक देख सकते हैं, ये जो वर्टिब्रेस बताए थे आपको नेक के, यही एस शेप कॉन्फ़िगरेशन में हो जाते हैं जब हेड इसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो एस शेप कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि इसकी ये रिब्स के साथ अटैच हैं आपके पास इसके जो लिम्स हैं, और ये भी बॉडी के अंदर चले जाते हैं जब खतरे की सूरत हाल हो या अनफेवरेबल कंडीशन हो, ठीक है, ये अंदर चले गए। और ये आप इसकी बीक देख सकते हैं, इसके अंदर दांत नहीं है बल्कि इसकी बीक है कैरेटिनाइज्ड फॉर्म में। तो ये आपको बेटे ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ना इसका दिखा दिया गया है, ठीक है। और ये हिंजेस कॉर्नर पे आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है, ये आपके पास हिंजेस हैं बेटे, ये यहाँ पे ये ओपन एंड क्लोज होने में हेल्प आउट करती हैं इसको। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे इसका स्कल भी देख सकते हैं, ठीक है, इसका स्कल का स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा था, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रही है ऊपर से लेयर एक और ये नीचे भी लेयर नज़र आ रही है ये वाली, ये क्या है आपके पास कैरेटिनाइजेशन हुई हुई है शेल के ऊपर ओवरऑल, जो भी हमने पढ़ी थी कि कैरेटिन इसको कवर कर लेती है जी। तो बेटे इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं इसकी बीक है, उसके कोई टीथ मौजूद नहीं है, ठीक है। ये टर्टल आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या है ऊपर वाली चीज़, ये कॉल, ये क्या कहलाती है, इट्स कॉल्ड एज कैरापेस, ठीक है। और ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, जो नीचे वाला इसका जो होगा एरिया, दैट इज़ कॉल्ड द प्लास्ट्रॉन, ठीक है। और ये आपको ओवरऑल एक लिविंग जो है ना स्पीशी टर्टल की, स्नैपिंग टर्टल जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस फिगर में जी। बेटे मज़ीद डिटेल में जाने से पहले यहाँ पे आपको जो आपकी बुक में फिगर दिखाई हुई है ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। ए फिगर में आपको डॉर्सल व्यू दिखाया हुआ कैरापेस का, ठीक है, और बी में आपको वेंट्रल व्यू दिखाया हुआ है एंड देन कैरेटिन भी दिखाई हुई है, और सी में आपको डॉर्सल व्यू ऑफ प्लास्ट्रॉन दिखाया हुआ है एंड डी में आपको वेंट्रल व्यू दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास डॉर्सल व्यू है कैरापेस का, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेंट्रल व्यू है, ठीक है, और इसमें आपको बाकी बोन्स भी दिखाई दे रही हैं सारी की सारी। ये 8 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो बी एस शेप में आपको दिखाई थी, ठीक है, और ये आर्टिकुलेशन जो है ना रिप्स ही हुई हुई है आपके पास, ये आपको अल्ना दिखाई दे रही है, ह्यूमरस दिखाई दे रही है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका पेल्विक गर्डल हो गया, ठीक है। तो ये और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको डिफरेंट जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये वेंट्रल व्यू है आपके पास इसका, ये जो डॉर्सल व्यू है ये इंटरनली आपको इस तरह नज़र आएगा, बाहर से तो ये कवर्ड है क्योंकि ऊपर कैरेटिन है, यहाँ पे कैरेटिन नहीं है, तो अंदर से आपको जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, फ्यूजन नज़र आ रही है जी। तो बेटे थोड़े से नीचे चलते हैं, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सी फिगर में आपको
डॉर्सल व्यू दिखाया जा रहा है, ये अंदर वाला व्यू दिखाया जा रहा है आपके पास प्लेस्ट्रॉन का, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये जॉइंट्स वगैरह सारे के सारे, ठीक है, ये आपको जॉइंट्स डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। लेकिन बाहर जो इसका डी पोर्शन है, बाहर जो है ना इसकी केराटिनाइजेशन हुई हुई है, बाहर से आपको प्लेस्ट्रॉन का कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा जो कि इसका वेंट्रल सर्फेस है। तो अगर इनर सर्फेस आपने देखना हो प्लेस्ट्रॉन का, तो आप डॉर्सल व्यू देखेंगे, वेंट्रल बिल्कुल डॉर्सल देखेंगे। और ऐसे ही अगर आपने कैरापेस का इनर सरफेस देखना हो, तो आप उसका डॉर्सल व्यू देखेंगे कि वेंट्रल, उस साइड पे उसका वेंट्रल व्यू देखेंगे, क्योंकि एक ऊपर वाला सरफेस है और एक नीचे वाला, ठीक है जी। आप थोड़ी सी मजीद डिटेल देख लेते हैं टेस्टिड्यून्स की जी। तो बड़ी टर्टल की लाइफ स्पैन की बात करें, तो इनकी उम्रें काफ़ी लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। इनकी सेक्शुअल मैच्योरिटी जो है काफ़ी अर्से बाद 7 to 8 ईयर्स के बाद ये सेक्शुअली मैच्योर होते हैं और 14 से ज़्यादा साल तक ज़िंदा रहते हैं। कुछ लार्ज टर्टल्स हैं जैसे कि आपके पास गैलापागोस आइलैंड के, वो तकरीबन 100 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फीमेल्स जो होती हैं वो अपने हाइंड लिंब का इस्तेमाल करते हुए नेस्ट बनाती हैं सॉइल के अंदर, और फिर वहाँ पे ये एग देते हैं, तकरीबन 500 से लेके 100 अंडे देते हैं क्लच की फॉर्म में प्रॉपर, और सॉइल से इसको बरी कर देते हैं, कवर कर देते हैं। अब जो डेवलपमेंट होती है वो 4 हफ्तों से लेके 1 साल तक हो सकती है, और पेरेंट अंडों को अटेंड नहीं करते, यानी पेरेंटल केयर इसमें कोई नहीं होती, और बच्चे जो है ना इंडिपेंडेंट होते हैं आफ्टर हैचिंग। अब कुछ सालों के अंदर टर्टल्स की जो कंजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उसको मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसकी वजह यह है कि इसका स्लो ग्रोथ रेट होता है और इसकी जो जुवेनाइल पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, यानी कि इसका बचपन का ज़माना या इमेच्योरिटी का ज़माना, और इसकी वजह से इसकी एक्सटेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, और मोर्टेलिटी रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके हाई हैं, ठीक है। और हंटिंग और प्रीडेशन वगैरह भी होती है, इसके घोंसलों वगैरह को खोदा जाता है, जैसे डॉग्स वगैरह या बाकी एनिमल्स जो है ना, तो इसकी वजह से इसको बड़ा थ्रेट है। और कुछ आपके पास जो सी टर्टल्स हैं वो नेस्ट बनाते हैं कुछ मखसूस बीचेस के ऊपर हर साल के बाद, ठीक है, काफ़ी अर्से बाद। तो और वो आपको पता है कि सी टर्टल्स की जो कंजर्वेशन का प्लान जो है वो एक कंट्री अकेले नहीं बना सकती, क्योंकि एक समंदर का जो थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स का जो आपके पास होता है उसका समंदरी किनारा, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, वो एक मुल्क के अंडर नहीं आता, बहुत सारे डिफरेंट नेशंस का रोल है उसके अंदर, तो तमाम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा टू कंजर्व द टर्टल स्पीशीज़, ठीक है जी। जी तो बेटे नेक्स्ट ऑर्डर जो है हमारा रिंकोसेफेलिया। रिंकोसेफेलिया जो है आपके पास इसकी ओनली जो सर्वाइविंग स्पीशीज है दैट इज़ पॉल टोटोरा, जिसको हम स्पिनोडॉन पंकटेटस कहते हैं, और ये सुपरफिशियली देखने में आपको लिजर्ड लाइक लगता है रेप्टाइल, ठीक है। और ये इसकी जो बॉडी है, शेप है, बिल्कुल चेंज नहीं हुई, 200 मिलियन साल पहले भी ऐसा ही था और आज भी ये ऐसा है, ठीक है। और इसके अंदर जो टूथ की अटैचमेंट होती है दांतों की, और जो स्ट्रक्चर होता है वो इसको डिस्टिंग्विश करता है बाकी जो रेप्टाइल से। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो रोज़ होती हैं टीथ की अपर जॉ के अंदर, और सिंगल रो होती है टीथ की लोअर जॉ के अंदर, जिसकी वजह से ये परिंदों को, छोटे परिंदों को आराम से डिकैप्टिवेट कर सकता है, पकड़ सकता है, ठीक है, होल्ड कर लेता है। इसके बाद देखा जाए तो ये न्यूजीलैंड डिस्ट्रीब्यूशन इसकी देखी जाए तो न्यूजीलैंड के अंदर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन काफ़ी अरसे से इंसानी इन्फ्लुएंस की वजह से और जो डोमेस्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से ये वहाँ पे सेफ नहीं रहा, तो सिर्फ ये अब साहली इलाके जो हैं, रिमोट ऑफशोर एरियाज़, जो आइलैंड्स वगैरह हैं न्यूजीलैंड के, वहाँ पे मौजूद है, और इसको न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने लॉ के तहत प्रोटेक्ट किया है। और ये ओवीपैरस होता है बेटे, ले एग्स, ठीक है, और ये अंडरग्राउंड जो है बरोज बनाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके पास सी बर्ड्स की ग्राउंड नेस्ट के साथ शेयर करता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये एग ले कर देता है, और इसकी फिर नेक्स्ट रिप्रोडक्शन जो है ना, डेवलपमेंट सॉरी, नेक्स्ट कंटिन्यू करती है। तो पटोरस जो होते हैं ये आपके पास सुबह के धुंधलके और शाम के धुंधलके में, यानी डॉन एंड डस्क दोनों टाइम पे निकलते हैं, ठीक है, अपनी बरों से, और फीड करते हैं मोस्टली इंसेक्ट्स पे और कभी कभार छोटे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके ऊपर। ये फिगर में आपको टोटारा सिफिनोडॉन पंक्टेटस दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं ये लिजर्ड लाइक जो है ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा जो है ऑर्डर दैट इज स्कोमेटा, और तो बेटे ऑर्डर स्कोमेटा जो है इसके अंदर अगर देखा जाए तो आपके पास इसको हम तीन सब ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो ऑर्डर स्कोमेटा है काफ़ी बड़ा है, और इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब ऑर्डर सॉरिया है जिसमें लिजर्ड्स आ जाती हैं, ठीक है, और फिर आपके पास सब ऑर्डर सरपेंटीन्स आ जाता है जिसके अंदर स्नैक्स आते हैं, देन आपके पास सब ऑर्डर आपके पास एम्फिसबेनिया आ जाता है जो कि वॉर्म लिजर्ड्स होती हैं। तो ये ऑर्डर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर देन फाइनली ऑर्डर्स क्रोकोडेलिया।
एंड देन एवोल्यूशनरी प्रेशर्स तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे. तो अभी सेकेंड पार्ट जो है ना इस लेक्चर का, अभी दो मैंने ऑर्डर्स कवर कर लिए हैं, ठीक है. ऑर्डर रिंकोसेफेलिया भी देख लिया है हम लोगों ने, ऑर्डर चिलोनिया भी देख लिया है. तो नेक्स्ट जो ऑर्डर है, ऑर्डर स्क्वामेटा एंड ऑर्डर क्रोकोडेलिया, ये आप लेक्चर इसी लेक्चर के पार्ट टू में आप देखेंगे, ठीक है.